नमस्कार विद्यार्थियों, उम्मीद है कि कोरोना में आप अपना व अपने परिवार का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अपने आसपास के लोगों में, अपने जानकारों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में कोरोना के बाबत जो भी एहतियात हमें रखने हैं, जैसे कि मास्क लगा के रखना है, 6 फीट की दूरी, इन सब बातों का आप प्रचार कर रहे होंगे, लोगों को आप समझा रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि इस समय प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो जो कठिन घड़ी इस समय मानवता के सामने आई है उसमें अपना योगदान दे। कोरोना को बिल्कुल हल्के से नहीं लेवें, यह बहुत ही यूँ कहें कि जानलेवा सिद्ध हो रहा है। और आप बस परहेज रखें, घर पे रहें और अपने और अपने लोगों का ध्यान रखें, अधिक चिंता भी ना करें, जागरूकता रखें, अवेयर रहें, चिंतित ना हों। क्योंकि चिंतित रहने से फिर इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने लगता है। इसलिए हल्का फुल्का एक्सरसाइज, अपना समय पे खान पान, गर्म पानी पीना, गरारे करना रोज़ाना, ये चीज़ें आप रखें। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूफी मत। देखिए विद्यार्थियों, ऐसी मान्यता है कि भारत पर मुसलमानों के प्रथम आक्रमण से पूर्व सूफी संप्रदाय का भारत में प्रवेश हो चुका था। ध्यान रहे, ये मान्यता है, तथ्य नहीं है। जो उमरैया वंश के शासनकाल में अरब व्यापारी यहाँ आते थे, उनके साथ ऐसा माना गया कि कभी कभी सूफी फकीर भी यहाँ आ जाते थे और दक्षिण भारत और सिंध तक वो लोग आए। किंतु तथ्यों की यदि हम बात करें तो सूफी मत की वास्तविक शुरुआत भारत में उस समय हुई जबकि अबुल हसन, जिनकी मृत्यु 1129 में होती, विद्यार्थियों, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कसफूल महजूब, पुस्तक का नाम है कसफूल महजूब, की रचना की। अबुल हसन गजनी के निवासी थे और लाहौर में एक बंदी की स्थिति में लाए गए। सूफी मत की दीक्षा उन्होंने बगदाद में प्राप्त की थी। वे अविवाहित जीवन के समर्थक थे और स्वयं भी अविवाहित थे। उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कालांतर में जितने भी सूफी बाहर से भारत आए वे उनकी समाधि पर उपस्थित होते थे। लाहौर में उनकी कब्र अभी भी विद्यमान है। उनके बाद प्रसिद्ध सूफियों में बाबा फखरुद्दीन का नाम उल्लेखनीय है, जो दक्षिण भारत के पेनुकोंडा नामक स्थान पर रहते थे। एक अन्य सूफी सैयद मोहम्मद बंदा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मेराजुल आस्किन, मेराजुल आस्किन, और इसमें उन्होंने सूफियों के संबंध में बातें लिखी। भारत में सूफी मत का स्थायी प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों में जो लोग हुए, जो प्रमुख मत और संप्रदाय हुए, उनका हम आगे बात करेंगे। सूफी धर्म का विकास भारत में उस समय हुआ जब वेदांत दर्शन, वेदांत धर्म और यूरोप में पुनर्जागरण की लहर फैल रही थी।
मैम सरल शब्दों में मैं कहूँ तो विद्यार्थियों भारत में भक्ति आंदोलन, जिसमें हमारे कबीर हैं, रैदास हैं, गुरु नानक हैं, मीरा हैं, वो जो समय था उस समय भारत में सूफी का भी विकास होता है। सूफी दर्शन की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों सूफी दर्शन में प्रेम को बहुत महत्व दिया जाता है। सूफी लोग एक ईश्वर को मानते हैं, वे लोग ईश्वर को अपनी प्रीतमा के रूप में मानते हैं। जैसे मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, वैसे ही सूफी अपने ईश्वर को प्रियतमा के रूप में मानते हैं, यानी कि इश्क करते हैं वो, जिसकी खोज में आत्मा रूपी प्रियतम समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर चला जाता है। साधक को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इश्क रूपी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है, क्योंकि इश्क में एक जुनून होता है, एक चाहत होती है। इश्क में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, वो खाना पीना भी भूल जाता है, उसकी नींद भी चली जाती है, उसके ख्वाबों में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके जहन में उसका प्रियतम रहता है। ऐसा ही जो सिजदा है, ऐसी ही जो पूजा है, आराधना है, वो सूफी लोगों में है। सूफी लोग लौकिक प्रेम में पढ़कर ईश्वरीय प्रेम, इश्क ए खुदा का अनुभव और सौंदर्य पूजा, जिसको कहें कि हुस्न प्रस्ति, में ईश्वर के सौंदर्य, अल्लाह का जमाल जिसको कहा जा सकता है, वो अल्लाह के जमाल यानी कि उसके सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। अतः प्रेम के मार्ग का अनुसरण करके, विभिन्न अवस्थाओं को पार करके वे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। सूफियों की मान्यता है कि ईश्वर निर्गुण है, सगुण नहीं है। मीरा के कृष्ण सगुण हैं, लेकिन सूफियों के जो आराध्य हैं वे निर्गुण हैं। उनकी यह मान्यता है कि मनुष्य में तीन प्रवृत्तियां होती हैं, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक। आत्मिक प्रवृत्ति को शुद्ध रखने से व्यक्ति उच्च व पवित्र बन जाता है, लेकिन यह कार्य गुरु के दिशा निर्देश से ही संभव है। सूफियों ने साधकों को कुछ हिदायतें भी दी हैं। साधक यानी जो उनके अनुयायी हैं, उनकी हिदायतें हैं कि स्वभाव से मनुष्य कामी होता है, वासना होती है उसमें, क्रोध होता है, लालच होता है, विभिन्न बंधनों से बंधा रहता है। यह मनुष्य की अबुद्यत अवस्था है। सामने स्क्रीन पर है विद्यार्थियों, अबुद्यत, जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, तमाम प्रकार के बंधन हैं। अबुद्यत की अवस्था में साधक का यह कर्तव्य है कि वह अपने पापों, गुनाहों के लिए तौबा करे, यानी कि प्रायश्चित करे, और ईमान अर्जित करे, यानी कि विश्वास अर्जित करे। तत्पश्चात उसको शरीयत के अनुसार नमाज, रोजा, तौहीद, जकात और हज का पालन करना चाहिए, ताकि दुर्गुणों, जो दुर्गुण हैं,
का नाश हो सके और इश्क़ खुदा में पढ़ सके। जब वह पूर्णतः अनुशासित हो जाता है तो तरीकत को प्राप्त होता है। स्क्रीन पर है तरीकत, तो तरीकत अवस्था में प्रवेश करता है। तरीकत में साधक को गुरु की आवश्यकता होती है जो उसकी आचरण शुद्धि तथा प्रवृत्तियों का संयम रखने का आदेश देता है, जिससे उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि गुरु पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। गुरु की प्रत्येक आज्ञा सिरोधार्य करनी चाहिए तथा गुरु के आदेश के अनुसार जिक्रली करना चाहिए। जिक्रली विद्यार्थियों कहा गया है चिल्लाकर अपने ईश्वर को पुकारना। जिक्र खफी कहा गया है, जिक्र खफी हृदय की एकाग्रता को। दोनों का मंत्र अला इलाहा इल्लिल्लाहा, यानी कि खुदा एक है। जिक्र के साथ मुरा केबा नामक क्रिया भी की जाती है, जिसमें हृदय की व्याकुलता को दूर करने के लिए कुरान का पाठ, रोज़ा और भोजन एकत्रित करना पड़ता है। मारिफत की अवस्था में दयालुता और कृपालुता प्राप्त होती है। इससे मस्तिष्क दैवीय ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है और हकीकत की अवस्था में साधक को सात्विक ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। फना की अवस्था में शारीरिक प्रवृत्तियों का नाश होता है, फना दीवानापन, और साधक ईश्वरोन्मुख होकर ईश्वर के प्रति उन्मुख हो जाता है। साधक की अंतिम अवस्था बका कहलाती है, जिसमें साधक और ईश्वर यानी कि प्रेमी और प्रियतमा के बीच की दूरी समाप्त होकर दोनों एक रूप हो जाते हैं। साधक स्वयं ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, जिसको कि अनलख कहा जाता है। अनलहक ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, यानी कि अनलहक हो जाता है, और यह अवस्था स्थायी होती है। यदि हम विद्यार्थियों सूफियों के प्रसिद्ध सिद्धांतों की बात करें तो इसमें गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को इस संस्कार, ये जो संसार है और इसमें जो अंधकार पूर्ण संसार, अंधकार पूर्ण बिहड़ वन है, जंगल है, जिसमें मार्ग खोजना दुष्कर है, उसमें पथ प्रदर्शक के रूप में गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक से मार्ग दिखाता है। सूफियों का एक और सिद्धांत है ईश्वर एक है, अतः हमें उसकी एकता में अटूट विश्वास करना चाहिए। जैसा कि सूफी कहते हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर प्रदत्त है, यानी कि उसकी रचना है, और संपूर्ण विश्व उसी के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है। सूफी मत में एकत्व से तात्पर्य दो पदार्थों, यानी एक दो पदार्थों में एक तो जीव है और दूसरा ईश्वर है। एकत्व से तात्पर्य दो पदार्थों का मिलना नहीं है, वरना अद्वैत भावना से है, जिसमें मैं और तू में कोई अंतर दिखाई नहीं देता है, जिसको एकाकार कह सकते हैं, हम एकत्व नहीं कह सकते। इसके अलावा सूफी कहते हैं कि ईश्वर
सौंदर्यमय है तथा इश्क के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। हमने पहले बात की कि आशिकी में और इश्क में क्या होता है। ये सूफियों का जो अगला एक सिद्धांत है कि हृदय एक शीशे के समान है जिसमें ईश्वर की प्रतीक्षाया दिखाई देती है, किंतु यह तभी संभव है जब हृदय को सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखा जाए, क्योंकि जब हृदय पवित्र होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगला सिद्धांत है मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, अतः वह पूर्णता की उच्चतम श्रेणी तक पहुंच सकता है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न है। मनुष्य की आत्मा यद्यपि अच्छी है तथापि उसकी यह कमजोरी है कि वह बुरे कार्यों से प्रभावित हो जाती है, किंतु फिर उसकी अच्छी प्रवृत्ति उसे अच्छे रास्ते की तरफ अग्रसर करती है। और अंतिम सिद्धांत में हम बात करते हैं, यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसकी मृत्यु उसे ईश्वर के समीप ले जाएगी। अतः साधक को जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं उनको मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक ईश्वर की समीपता और दूरी के प्रतीक हैं, जिनमें से एक प्रसन्नता प्रदान करता है तो दूसरा परेशानी देता है। ये प्रमुख सिद्धांत हैं सूफी संप्रदाय के, सूफी मत के। यह धर्म एक और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है। तो डॉक्टर कालूराम शर्मा लिखते हैं कि दूसरी ओर इस पर वेदांत का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः उनके विचारों में यह धर्म हिंदू और मुस्लिम विचारों का सम्मिश्रण है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जो सूफी मत आया और आज जो भारत में प्रचलित है वो भारतीय संस्करण है, वो सूफी मत का भारतीय संस्करण है। शेष अगले व्याख्यान में करेंगे विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद।